नमस्कार, आज हम 30 स्पेशल सातू कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। इसमें भी अलग अलग तरीके के 3 टाइप के चावल, गेहूं के आटे और फुटाने की दाल, इन तीनों से बिना रेडीमेड आटा यूज किए सिंपल ट्रिक से कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। 2 कप चावल मेजरमेंट से ले रही हूँ। इसमें हम पानी डालकर 1 से 2 बार अच्छा धो लेंगे, निथार कर सुखा दे। सातू का स्वाद बढ़ाने के लिए हमें खारीक बादाम और नारियल को थोड़ा सा भून कर ठंडा करके फिर मिक्सी से पीस लेना है। भूनने के बजाय खारीक को धूप में सुखा कर भी ले सकते हैं, इससे इसका पाउडर पीसने में आसानी होगी। चावल सूखने के बाद पैन में 10 से 12 मिनट धीमी गैस पर भून लीजिए। सातू बनाने के लिए कोई डायरेक्ट चावल का रेडीमेड आटा भी इस्तेमाल करते हैं, पर उसको अच्छा भून नहीं सकते, इसलिए उसके बजाय इस तरह चावल धोकर फिर भूनकर बनाने से सातू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से फूल कर ब्राउन कलर आने के बाद हमारे चावल भूनकर रेडी है। इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रखना है। अब बेसन का सातू या फुटानी दाल का सातू बनाने के लिए 1 कप फुटाना दाल को 5 से 7 मिनट स्लो गैस पर गोल्डन होने तक भूनना है। इसके बजाय आप बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुटाने के दाल का सातू खाने में बहुत बढ़िया होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। चावल ठंडे होने के बाद मिक्सी का छोटा जार लेके जितना बारीक हो सके 10 से 15 मिनट मिक्सी चला ले, फिर मैदे की छलनी से छानकर आटा निकाले। बार बार जार चलाने के बजाय एक ही टाइम थोड़ा ज़्यादा देर मिक्सी चलाने से ये आटा बारीक हो जाएगा। जो ऊपर का पाउडर बचा है आप वो किसी पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को साइड में रख के सेम प्रोसीजर से फुटाने की दाल को भी हमें मिक्सी से इसी तरह पीस कर छान लेना है। ऊपर का बचा आटा किसी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साइड में रख के शक्कर को भी हमें बारीक पीस कर रेडी करना है। घी को अच्छा गरम करके उसमें 1/2 कटोरी गोंद डालकर तल ले। इसके लिए घी काफ़ी गरम होना चाहिए तो गोंद अच्छे फूलेंगे। ठंडा करके ग्लास या कटोरी के कोने से थोड़ा बारीक कर लीजिए। अंदाज़ा 1/2 कटोरी घी गरम करके उसमें फुटाने की दाल का जो आटा हमने बनाया है उसको ऐड कर ले। घी अगर कम लगे तो ऊपर से थोड़ा 1 चम्मच मिक्स करें। मीठे अनुसार 1/3 या 1/4 कप शक्कर ऐड करें, 1 चम्मच खारीक नारियल पाउडर, 1 चम्मच बादाम पाउडर, थोड़े से तले गोंद ऐड करके मिक्स करें। इसे थोड़ा ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद लड्डू का शेप दे सकते हैं या सातू का शेप भी बना सकते हैं। इसी तरह चावल के आटे का भी हमें सातू बनाना है, इसलिए 1/2 कटोरी घी गरम कर ले और जो चावल का आटा हमने बनाया है उसे ऐड करें। मीठे के अनुसार 1/3 या 1/2 कप शुगर ऐड करें। शुगर ऐड करने के बाद ऐसे लग रहा है कि घी कम है, स्पेशली चावल के सातू बनाते वक्त थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। ऊपर से हम इसमें 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे। 1 चम्मच खारीक नारियल पाउडर, 1 चम्मच बादाम पाउडर, थोड़े से तले गोंद ऐड करके इस मिश्रण को थोड़ा मिक्स करके ठंडा होने दे। तब तक हम गेहूं का सातू यानी कि धनिया का पिंडा बनाएंगे। उसके लिए 1/2 कटोरी घी में 2 कटोरी गेहूं का आटा डालें। इसे 10 से 15 मिनट भूनना है। पूरे घी में आटा आना चाहिए, इसलिए ऊपर से थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं। इसे स्पेशली हलवे जैसा या लड्डू जैसा भूनना है। जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए और ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक इसे चम्मच से हिलाते हुए भूनते रहना है, वरना ये नीचे लगकर जल सकता है और टेस्ट भी बिगड़ सकता है। तो ये स्पेशली ध्यान रखें सिकाई के वक्त। खुशबू के साथ साथ ब्राउन कलर आ गया है तो इसकी सिकाई हो गई है। इसमें मीठे अनुसार 3/4 कटोरी शक्कर, 1 चम्मच बादाम पाउडर, 1 चम्मच खारीक नारियल वाला पाउडर, थोड़े से गोंद डालकर मिक्स करें और थोड़ा ठंडा होने दें।
चावल का आटा थोड़ा ठंडा होने के बाद थाली में मत कर, थोड़ा सा आटा साइड में निकालकर एक प्लेट में सातु जैसा शेप दे दे। ध्यान रखें कि आटा पूरा ठंडा न हो, वरना इसका शेप नहीं बनेगा, इसे फिर से हमें गर्म करना पड़ेगा। इससे अच्छा है थोड़ा गर्म है तभी ध्यान रख के इसका शेप दे दे। बचे आटे में छोटी लड्डू बना ले, इसे हम लिमड़ी कहते हैं। इसे तीज के पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। मोली सेंटर में रखकर सुपारी रखे, साइड में फूल वाली लौंग लगाए, बादाम से फिर चारों साइड में डिजाइन कर सकते हैं। फिर कुमकुम गीला करके स्वस्तिक निकाले, एक साइड में लिमड़ी का छोटा सा शेप दे दे। कुमकुम थोड़ा कम ही इस्तेमाल करे क्योंकि इस सातु को हमें बाद में खाना भी होता है। तो शगुन के लिए छोटा सा बना ले। काजू और खड़ी शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। इसी तरह हमें गेहूं का आटे का भी सातू बनाना है, वो बना लीजिए। यहाँ मैंने सिंपल ही डेकोरेशन किया है। डेकोरेशन तो बहुत मिल जाएंगे आपको दूसरे वीडियो में, पर मेन है सातू कैसे बनाते हैं। ड्राई फ्रूट का पाउडर बच गया हो या गोंद बच गए हो तो कोई बात नहीं, आप इसे पंजरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो जन्माष्टमी पे बनाई जाती है। ये सातू टेस्ट के साथ साथ पौष्टिक भी है, तो ज़रूर बनाकर देखें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।